finishes off in style. भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और फाइनल T20 मैच में अहमदाबाद में 168 रनों से हरा दिया है और फुल मेंबर्स टीमों के बीच यह सबसे बड़ी जीत है। भारत के इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे शुभमन गिल, जिन्होंने आतिशी शतक से मेहमानों को पानी पिला दिया। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में कहीं दिखा ही नहीं, ना ही गेंदबाजी में और ना ही बल्लेबाजी में। ये सीरीज जीत अच्छी है, लेकिन टीम इंडिया को इसका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होने वाला है। हमारे ऐसा बोलने के पीछे एक वजह है, और यह वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। हम सबसे पहले आपको इस मैच का हालचाल बता देते हैं। टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ईशान किशन और शुभमन गिल से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ईशान किशन एक बार फिर फेल हो गए। वह 3 गेंद पर 1 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। ईशान किशन को माइकल ब्रेसवेल ने LBW आउट किया। एक विकेट गिर जाने के बाद राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों पर 80 रन की साझेदारी की। राहुल त्रिपाठी ने तेजी से रन बनाए, उन्होंने 22 गेंद पर ही 44 रन ठोक दिए। वह T20 में अपने पहले अर्धशतक के नज़दीक थे, लेकिन इस शोधी की गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी ने अपने पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। राहुल त्रिपाठी के लिए यह पारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि तीसरे नंबर के उनके पोजिशन को उसे जस्टिफाई करना था। अगर उनके बल्ले से यह रन नहीं आते तो आने वाले सीरीज में उनको टीम में जगह बनाने में बहुत मुश्किल होती। राहुल त्रिपाठी के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी की। सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने गिल का बखूबी साथ दिया। हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों पर 30 रन बनाए। उन्होंने गिल के साथ 40 गेंदों पर 103 रनों की साझेदारी की। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए शुभमन गिल 63 गेंदों पर बाद 126 रनों की पारी खेले। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 7 छक्के निकले। वहीं न्यूजीलैंड के लिए माइकल ब्रेसवेल, ब्लेयर टिकनर, इश शोधी और डेरिल मिचेल ने एक एक विकेट लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को मानो फ्लाइट छूट रही थी, इस हिसाब से वह आउट होते चले गए। उसके 11 में से सिर्फ 2 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिचेल ने थोड़ा साहस दिखाया और 25 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए, लेकिन उनको साथी बल्लेबाजों का कोई सहारा नहीं मिला। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 12 ओवर और 1 गेंदों के बाद सिर्फ 66 रनों पर सिमट गई। भारत के ओर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट झटके, वहीं अर्शदीप सिंह, शिवम मावी और उमरान मलिक के खाते में 2-2 विकेट आए। T20 इतिहास में टीम इंडिया की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने 2018 में आयरलैंड को 148 रनों से हराया था। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के T20 इतिहास में यह सबसे बड़ी हार है। इससे पहले पाकिस्तान ने उसे 2010 में 103 रन से हराया था। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पिछले साल टीम इंडिया ने आयरलैंड और न्यूजीलैंड को हराया था, वहीं इस साल श्रीलंका के बाद अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत लिया है। यानी कि हार्दिक पांड्या ने एक कप्तान के रूप में 4 बायलेटरल सीरीज खेला है और चारों में उसे जीत हासिल हुआ है। इस सीरीज में टीम इंडिया के हिस्से सिर्फ एक ही अच्छी चीज आई, शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को एक ऑल फॉर्मेट ओपनर मिल गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर BCCI उनको ड्रॉप नहीं करती है तो वह एक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं। वहीं राहुल त्रिपाठी तीसरे नंबर पर पूरी तरह से खड़े नहीं उतर पाए। टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या अभी भी उसकी ओपनिंग जोड़ी बनी हुई है। जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा, टीम इंडिया कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकती है। साथ ही हार्दिक पांड्या को एक कप्तान के रूप में अभी और मैच्योर होना बाकी है। सही समय पर गेंदबाजी चेंज करने का हुनर उसमें अभी तक नहीं आया है। T20
टीम इंडिया की असली जंग 9 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जब ऑस्ट्रेलिया यहां पर 4 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी। वो सीरीज देखने में काफी दिलचस्प होगा। भारत और न्यूजीलैंड के सीरीज में आपके हिसाब से क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।